Hello guys, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज हमने देखा शुरू में फर्स्ट सेशन काफ़ी चौपी मार्केट था, स्लगिश मार्केट था और लास्ट आर में एक ज़बरदस्त डाउनफॉल हमें देखने को मिला। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक रिव्यू करते हैं, फिर कल के लेके इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल क्या हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये निफ्टी 50 का 500 का चार्ट है आज का 20 मई। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 15,092 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 15,008। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और कुछ ही मिनटों के बाद इसने ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट दोनों भी अचीव कर लिए। एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ। काफ़ी देर ये ब्रेकडाउन और फर्स्ट टारगेट के जोन में सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और लास्ट आर में इसने सेकेंड टारगेट को भी तोड़ दिया और निफ्टी ज़बरदस्त टूवर्ड्स साउथ की तरफ आया। कल हमने शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा था, उसके बाद ये कंफर्मेशन मिला है हमें। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग काफ़ी एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल साबित हुए। अभी कल के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए एक बार डेली चार्ट को भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में अभी सेटअप जो बना है, जो डेली चार्ट का सेटअप दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव है क्योंकि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ये तीनों भी अपसाइड यानी असेंडिंग ऑर्डर्स में है और यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स जो है ये तीनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करके कहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है ये आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो ये जो अपसाइड मूव आया था करीब 900 पॉइंट्स का था, इसका 61.8% का लेवल इसने अचीव किया और यहाँ से बाउंस बैक हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो अपसाइड मूव आया था ये, इसका भी 61.8% का इसने सपोर्ट एज अ टेस्ट किया लेवल और यहाँ से बाउंस बैक हुआ। तो अभी ये नेक्स्ट अपसाइड मूव आया था करीब 400-450 पॉइंट का। तो यहाँ पर अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करें तो 61.8% का लेवल ऑलमोस्ट ये 20 EMA जो है पिंक लाइन 14,800 इसी के पास आ रहा है। तो 50% और ये 61.8%, ये दो ऐसे लेवल माने जाते हैं यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है, बाउंस बैक देखने को मिलता है। और ये जो जोन बन रहा है यहाँ पर, ये जो जोन बन रहा है, इस जोन में हमने देखा था पास्ट में कैसे निफ्टी इंडेक्स यहाँ तक आ रहा है 15,000 के पास और नीचे जा रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन था पास्ट में, अभी हो सकता है ये सपोर्ट का काम करे। तो कल फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो हो सकता है 50 या फिर 61.8% को टच करके ये फिर बाउंस बैक हो, क्योंकि अभी तक ये जो सेटअप बन रहा है ये पॉजिटिव हमें डेली चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो डेली चार्ट अभी तक पॉजिटिव सिनेरियो के साथ इस समय सेटअप यहाँ पर बना हुआ है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। RSI और प्राइस एक्शन को भी हमने एनालिसिस किया था, जैसे कि ये 70-200 इस जोन में जब आता है तब ऊपर प्राइस एक्शन में हमें एक फॉल दिखाई देता है, ये देखिए, ठीक है। तो उसी तरह से जब ये 30-0 ये जो ओवरसोल्ड जोन है इस लेवल के पास जब आता है तभी हमें प्राइस एक्शन में एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, ये देखिए इस तरह से। तो अभी ये 30 के लेवल तक आया नहीं है, अभी तक यहाँ पर और भी काफ़ी स्पेस बाकी है, तो हो सकता है ये 100 EMA तक आए और फिर एक बाउंस बैक दिखाए। तो कल के लिए क्या हो सकता है हमारे इंट्राडे लेवल्स, अभी ब्रेकडाउन लेवल जो है ये लेवल कल का, आज का लो हमारा हो सकता है कल के लिए ब्रेकडाउन लेवल। तो यहाँ पर एक स्विंग हाई बना है पास्ट में, तो हो सकता है इस लेवल के पास एक सपोर्ट टेस्ट करे और छोटा बाउंस बैक हो। तो 14,871 ये हमारा हो सकता है ब्रेकडाउन लेवल, इसको अगर कम्प्लीटली ब्रेक करे तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,857, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 100 EMA का ये
ग्रे लाइन जो कि 14,838 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो जहाँ पर ये स्विंग हाई बना है यहाँ से देखिए फॉल आया था, तो ये हो सकता है ये फिर से एक बार रेजिस्टेंस का काम करे। अभी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है अर्ली चार्ट में, तो काफ़ी एक साइडवेज पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ अगर जाए तो 14,955 को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,976, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,999, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स है। अभी बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है। कल के लेवल्स भी देखे तो एग्जैक्ट आज सेकेंड टारगेट अचीव होने के बाद ऑलमोस्ट उसी जगह पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं बैंक निफ्टी के, तो काफ़ी अच्छे से क्लियरिटी आता है। तो ये 60 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ पर हो सकता है ये 50 EMA एज अ सपोर्ट टेस्ट करे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक स्विंग हाई बना है, स्विंग हाई जो रेजिस्टेंस का काम करता है पास्ट में, वो आके जाके हो सकता है सपोर्ट का काम करे। तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 33,253, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे सस्टेन करे बैंक निफ्टी तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 33,169, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 100 EMA का ग्रे लाइन जो कि 33,78 के पास है, ये हमारा होगा सेकेंड टारगेट। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो लेवल है अराउंड 20 EMA, हो सकता है 20 EMA के पास रेजिस्टेंस फेस करे और फिर से नीचे की तरफ आए, तो कम्प्लीटली इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर आने दे, ठीक है। यानी अराउंड 33,524 के ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 33,624, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 33,699, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए यानी 21 मई के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।